तो इस एपिसोड स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हान पैलेस को, जहाँ पर कोई आ जाता है दरवाजे को लात मार के। फिर हमें दिखाया जाता है वो था मेंग टियान और उसके साथ उसके फादर आए थे और उनका नाम था क्वीन मेंग्यू। फिर उसका फादर कहता है कि कहाँ है तुम्हारा किंग हान, तुम्हारा किंग कहाँ पर है, जल्दी से यहाँ पर आओ, सरेंडर कर दो या फिर मेरे हाथों मर जाओगे। फिर जो हान डायनेस्टी के मिनिस्टर लोग थे वो कहते हैं कि किंग तो यहाँ पर नहीं है, हमें पता नहीं वो कहाँ पर चले गए, अगर तुम्हें मानना ही है तो फिर तुम हमें मार सकते हो, लेकिन हमारे कंट्री के लिए हम लॉयल ही रहेंगे, हम कभी भी तुम्हें हमारे किंग का लोकेशन नहीं बताएंगे। फिर एक क्वीन का सोल्जर आता है और कहता है कि जनरल हमने सभी जगह सर्च कर दिया, पूरा एम्पायर पैलेस में और सिटी में भी, लेकिन कहीं पर भी हान डायनेस्टी का किंग हमें नहीं मिला। और वो मिनिस्टर जो कह रहा है मुझे लगता है वो सच है, इनका किंग सच में भाग गया मुझे लगता है। और वो कहता है क्या, फिर मेंग टियान पीछे से कहता है कि फादर अगर हम किंग को अभी नहीं पकड़े या फिर किंग भाग जाता है बाय चांस तो फिर हमें जो सिटी को ब्रेक की इतने मुश्किल से कैपिटल सिटी को, तो फिर फायदा क्या है। और उसका फादर भी कहता है हाँ ये तो बहुत ही मुश्किल की बात है, गड़बड़ हो गया। फिर वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है कि जनरल झाओकुई मैं हाजिर हूँ रिपोर्ट देने के लिए। और फिर मेंग टियान कहता है झाओकुई तुम यहाँ पर क्या करो, मैंने तुम्हें बोला था ना पेट्रोलिंग करने के लिए और रेडी रहने के लिए, जहाँ पर भी गड़बड़ होगा तो फिर तुम आ जाना। लेकिन मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं वही कर रहा था, लेकिन मैं साउदर्न पार्ट में डिफेंस पार्ट पर था और वहाँ पर मैंने देखा कि झाओ किंगडम का कुछ सोल्जर आ गए थे और हान डायनेस्टी के किंग को यहाँ से भगा के झाओ किंगडम में लेके जाने वाले थे, लेकिन मैं उसको पकड़ लिया। फिर वहाँ पर लाके हान डायनेस्टी के किंग को फेंक देता है और निचेपते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है आप लोग कितना गुस्से हो गए क्योंकि इतने मुश्किल से कैपिटल सिटी को ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पर किंग नहीं मिला, लेकिन किंग तो भाग चुका था और लेकिन मैं उसे पकड़ के यहाँ पर ले आया। और तो और झाओ का जनरल भी एक आ चुका था, मतलब झाओ डायनेस्टी का, लेकिन मैं उसको भी मार दिया और उनका डेड बॉडी को यहाँ पर लेके आया हूँ आपके पास। और इसको देखे हान डायनेस्टी का मिनिस्टर कहते हैं ये तो योर मेजिस्ट्री है, ये तो हमारा किंग है। फिर मेंग टियान कहता है ये तो सच में किंग ऑफ हान है। एक मिनट रुको, तुमने क्या कहा, तुम्हें साउदर्न पार्ट पर थे, इसका मतलब क्या तुम्हें पता था झाओ आर्मी का कुछ ट्रूप आने वाला है किंग को भगा के झाओ किंगडम पर लेने के लिए। फिर उसके पास आता है और कहता है बहुत ही अच्छा सच में, अच्छा तो फिर इसी वजह से तुम लीडर नहीं बनना चाहते थे और मेरिट नहीं कमाना चाहते थे, तुम्हारा लक्ष्य तो ये किंग ऑफ हान था, इसको मार के जितना मेरिट तुम पाओगे उतना तो तुम्हें सिटी ब्रेक करने के बाद भी नहीं मिलेगा। और मेंकर भी थोड़ा हंस देता है। और फिर उसका फादर आते हैं और मेंग्यू आता है, कहता है कि झाओकुई हाँ मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बहुत सुना हूँ और तुमने आज जो किया सच में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हमारे क्वीन डायनेस्टी के लिए। और तो झाओ आर्मी का एक जनरल को भी मार दिए और हान डायनेस्टी का किंग को भी मार दिए, सच में हमारे जो यंगचेंग कैंप है तुम्हारे को प्राउड करता है। और मेंकर कहता है ये तो मेरा ड्यूटी है क्वीन डायनेस्टी को सर्व करना। फिर उसके ऊपर कंधे में हाथ रखते हुए कहता है कि चलो भी इतना भी संस्कारी होने की जरूरत नहीं है, मैं पर्सनल एक लेटर को लिख दूंगा और किंग के पास भेज दूंगा तुम्हारे अचीवमेंट के बारे में, तुम्हें कैसे किंग ऑफ हान को मारे और किंग ऑफ मतलब जनरल को मारे झाओ डायनेस्टी का। फिर उसे लेते हुए कहता है कि चल चलते हैं मैं तुम्हें बाहर कुछ दिखाने वाला हूँ। और फिर उसे लेके चला जाता है बाहर और बाहर अनाउंस करता है हम जिसके लिए यहाँ पर आए थे किंग ऑफ हान के लिए, हान डायनेस्टी के किंग के लिए, वो फाइनली मारा जा चुका है ये झाओकुई ट्रूप के द्वारा और हम सच में जीत चुके हैं हान डायनेस्टी को पूरी तरह और अभी से ये हमारा इलाका है, चल जल्दी से चेयर कर लो। फिर सोल्जर भी थे वो भी सब चेयर करने लग जाते हैं। और फिर मेंग्यू कहता है कि झाओकुई तुम ये सुन पा रहे हो, ये चेयर्स हमारे क्वीन डायनेस्टी के लिए और तुम्हारे लिए ही है क्योंकि तुमने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया ये हान डायनेस्टी को कब्जा करने के लिए, मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे पास एक और वार गॉड आ जाएगा। फिर मेंकर देगी थैंक यू, आपने मेरा बहुत ही तारीफ किया और मेरा सपोर्ट किया, मैं आगे से और भी मेहनत करूंगा क्वीन डायनेस्टी के लिए और ताकतवर बनूंगा। फिर रात हो जाती है और मेंकर कैंप में वापस आ जाता है और ली क्वीन को कहता है कि यहाँ पर पहरा दो और मैं जाता हूँ, मुझे रेस्ट करना है थोड़ा, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। और ली क्वीन भी कहता है यस। फिर मेंकर वापस कैंप में आ जाता है और कहता है सिस्टम एक्टिवेट हो जाओ और मुझे बताओ क्या क्या रिवॉर्ड मिला है अभी। बस सिस्टम फिर एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि आपने झाओ डायनेस्टी का जनरल को एक मारा है और उसके लिए आपको 500 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और तो आपने हान डायनेस्टी का किंग को मारे और उसके लिए तो आपका 1 बिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। 1 बिलियन मतलब आसपास 100 करोड़ के आसपास। फिर मेंकर इसको देखता है और कहता है हाँ मैं ये जानता था, ये छोटे मोटे चीज को मारने से कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम मारते हो कुछ जनरल या फिर कुछ किंग को तो फिर तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस वैल्यू मिलेगा और तुम जब ऑर्डिनरी सोल्जर को मारते हो तुम्हें लगभग ना के बराबर एक्सपीरियंस वैल्यू मिलता है। फिर सिस्टम रिवॉर्ड देता है कि जुआन रैंक का हाई ग्रेड का टेक्निक और वो टेक्निक का नाम था टियान युआन गोंग और एक जुआन रैंक का हाई ग्रेड का एलिक्जर मिलता है। और मेंकर धड़ से उठ जाता है और कहता है क्या जुआन ग्रेड का हाई ग्रेड का टेक्निक, मैं सच में ये टेक्निक को सीखने वाला हूँ, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना सीखूंगा और मैं पावरफुल बन जाऊंगा। फिर वो टेक्निक को मारता है लेकिन वो सिस्टम में लिख के आता है कि होस्ट का लेवल बहुत ही लो है अभी, करेंटली तो आप नहीं सीख सकते ये हेवनली ओरिजिन टेक्निक को। मेंकर कहता है क्या मैं अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता ये टेक्निक को, तो फिर क्या फायदा है अभी देने का, ये बहुत ही बुरा हुआ। फिर मेंकर कहता है चलो फिर ठीक है मेरे पास जो भी एक्सपीरियंस पॉइंट या फिर प्रमोशन पॉइंट है उसको लगा लो। और फिर सोचता है कि अगर मैं ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा अगले लेवल पर तो फिर जाके मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए मेटाफिजिकल कुंग फू और उसके बाद
साथ ही जाके मेरा इंटरनल फोर्स ट्रू क्यूआई में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं मासला ढूंढने का पहला स्टेप चढ़ जाऊंगा। अभी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि मैं लेवल अप करूं, अपग्रेड कर दूं। फिर सिस्टम कहता है ओके ठीक है आपका अपग्रेड किया जा रहा है, तो फिर आप बैठ जाइए और मेडिटेशन करने लग जाइए। फिर सिस्टम धीरे धीरे करके लेवल अप करता है और फिर लेवल अप हो जाता है भी। और मेनकर आंखें खोलता है और कहता है कि सच में इस बार तो कुछ ज्यादा ही लेवल अप हो गया, मैं अभी 7th लेवल पर आ चुका हूँ, हाउ टेन के 7th रियलम पर, और मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ अभी हो चुका है 700, इंटरनल पावर भी हो चुका है 700, और मुझे नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे 8000 एक्सपीरियंस वैल्यू चाहिए। फिर कहता है कि हाउ टेन 7th रियलम पर तुम आ चुके हो, इसका मतलब तुम 10,000 आर्मी के जनरल को भी तुम मार सकते हो एक ही झटके में, और अभी के पास मेरे पास स्ट्रेंथ आ चुका है लगभग, अगर वेस्टर्न पार्ट का 2 डायनेस्टी यहाँ पर आ जाता है उसका किंग भी, तो फिर वो भी मेरे साथ टिक नहीं पाएगा। फिर उसके बाद सो जाता है बेड पर और कहता है कि ये हान डायनेस्टी का किंग को मारने के बाद जो रिवार्ड मिला सच में मुझे निराश नहीं किया, अभी नेक्स्ट स्टेप जो मेरा है वो सिर्फ वेट करना है रिवार्ड पाने के लिए योर मैजिस्ट्री से, क्योंकि मैंने जो किंग को मारा है हान डायनेस्टी का। फिर मन में सोचता है मैं लीज या विलेज को छोड़ते हुए बहुत समय हो चुका है और मैं बोला था मैं जो पावरफुल हो जाऊंगा तो फिर रिटर्न आऊंगा, उसके बाद जाके यूनियन के साथ शादी कर लूंगा, लेकिन बहुत साल बीत चुके हैं फिर भी मैं अभी तक नहीं गया विलेज में लीज या विलेज पर, और यूनियन तो एक मास्टर लाइटर भी नहीं है, लेकिन मैं जोसे भी करके उसे प्रोटेक्ट करूंगा। आधे साल हो चुका है उसे छोड़े हुए, मुझे पता नहीं अभी यूनियन कैसे रह रहा होगा, मैं सच में उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाएगी मेन कार्ड को जो कि आगे देखता है लीजिया विलेज को और सोचता है कि ये क्या लीजिया विलेज है, मैं क्या वापस आ चुका हूँ कैंप से, लेकिन नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरा दिन उसके बारे में सोच रहा था इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये मुझे ड्रीम आ रहा है सपना आ रहा है। फिर सपने में देखता है यूनियन को जो कि पीछे आके कहता है कि ब्रदर क्यों भाई तुम वापस आ चुके हो फाइनली, मैं सच में आपको बहुत ही मिस किया। फिर मेन कार्ड उसके पास जाता है और कहता है कि यूनियन मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस किया, और यूनियन कहता है देखो ये हमारा बेबी है, और मेन कार्ड क्या ये हमारा है, ये तो बहुत ही बढ़िया अच्छी खबर है। फिर यूनियन कहता है कि ब्रदर भाई आपने कभी भी लेटर नहीं लिखा, पूरा आधे साल हो चुका है लेकिन फिर भी आप आ चुके हो, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और मेनकाट सोचता है हाँ मुझे पता है ये एक ड्रीम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ क्योंकि ये ड्रीम सच में मेरा ड्रीम है। फिर वहाँ पर बहुत तेजी से हवा लगता है और यूनियन कहता है कि ब्रदर भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, इतना तेज हवा आ कहाँ से रहा है। फिर सामने दिखाया जाए कुछ सोल्जर को जो कि अटैक करने के लिए आ चुके हैं तो पूरा आर्मी लेके, और मेनकाट उसको देख लेता है और कहता है ये तो चेंग सेंग है और वू गुआंग है, और ये आर्मी था चू डायनेस्टी का आर्मी आ चुका था हमला करने के लिए क्वीन आर्मी क्वीन डायनेस्टी पर। फिर मेनकाट और दोनों सोल्जर को देखते हुए कहता है कि लियू बैंग है और दूसरा जियान यू है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या हमारे क्वीन डायनेस्टी पर हमला हो चुका है। फिर यूनियन को ले जाता है वो आर्मी और मेनकाट भी चिल्लाता रह जाता है और कहता है यूनियन प्लीज यूनियन को छोड़ दो। फिर बहुत सारे काले चीज आके उसको घेर लेता है मेनकाट को और फिर तभी सपनों से उठ जाता है और कहता है यूनियन ये कितना डरावना सपना था और ये सपना सच भी हो सकता है क्योंकि क्वीन डायनेस्टी कभी भी हार सकता है अभी या बाद में, क्योंकि यही सच बात है ये हिस्ट्री में अब लिखा जा चुका है। और मैं फ्यूचर से आया हूँ इसके लिए मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ भी हूँ, और मुझे फ्यूचर चेंज करने के लिए मेरा इतना पावर काम नहीं आएगा, मुझे और भी पावरफुल बनना है। तो ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होती है, नेक्स्ट एपिसोड आया कल, तो फिर कल मिलते हैं।